दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए कमाल के वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूं रिलायंस जियो फोन 3 के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे ऑफिशियली आ गया है कि ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में। ये एक फीचर फ़ोन की तरह ही होगा, लेकिन इसमें टच स्क्रीन होगी। इसको ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा, क्योंकि जियो फोन जो 1 था, फिर 2 आया, अभी 3 की बारी है जो कि लॉन्च होने वाला है। आप इसमें देख सकते हैं सभी स्पेसिफिकेशन एंड व्यू, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। इसमें आपको जो मिलेगा तो ये एंड्रॉयड वर्जन 8.1 पे होगा, और इसमें जो प्रोसेसर रहेगा 1.4 GHz का मीडियाटेक का प्रोसेसर रहेगा, 2 GB रैम रहेगी, 64 GB रोम रहेगा, रैम 64 GB रहेगी, रोम रहेगी 2 GB। और आगे बढ़ते हुए बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस हो सकती है 1228 रुपये, जो कि काफ़ी कम प्राइस है। हालांकि परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडिया टेक है, और स्टोरेज की बात करें 64 GB, कैमरा की बात करें तो मेन कैमरा होगा 5 MP का, और जो फ्रंट कैमरा होगा 2 MP का होगा, 2 MP होगा फ्रंट कैमरा, 5 MP होगा। बैटरी की बात करें तो 2800 mAh की बैटरी होगी, डिस्प्ले होगा 5 इंच का जो कि 12.7 cm का होगा। रैम की बात तो कर ही ली अपन ने, 2 GB। लॉन्च डेट बात करें तो 25 मई 2020 ऑफिशियल है। की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ्रंट कैमरा, जो सामने का कैमरा होगा 2 MP, बैटरी 2800 mAh, प्रोसेसर मीडिया टेक, डिस्प्ले 5 इंच, रैम 2 GB, रियल कैमरा 5 MP। स्पेशल फीचर्स की बात किया जाए तो इसमें कुछ नहीं है कोई खास, एक्सीलेटर होगा। आगे बात करें जर्नल की, तो जर्नल में देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 8.1 और यो होगा, डुअल सिम जीएसएम लगेगा। जियो फोन 3 मई 25 2020 ऑफिशियल, एंड्रॉयड गो सपोर्ट रहेगा इसमें, और रिलायंस ब्रांड रहेगा रिलायंस। नेटवर्क की बात करें तो जियो 4G अवेलेबल रहेगा, 2G 3G भी अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सभी सिम्स चल जाएंगी, एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, BSNL हो, कोई भी सिम हो चल जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वाड कोर 1.4 GHz पे रहेगा मीडियाटेक का, 2 GB रैम रहेगी। डिस्प्ले की बात करें तो IPS LCD 5 इंच 12.7 cm HD+ डिस्प्ले रहेगा, 712x1280 pixels। यस कैपेसिटी टच स्क्रीन मल्टीपल 295 PPI। स्टोरेज की बात करें तो 64 GB स्टोरेज रहेगी, इंटरनल मेमोरी कार्ड 64 GB, एक्सपेंड मेमोरी कार्ड कर सकोगे आप, मेमोरी कार्ड लगा सकोगे 128 GB तक। कैमरा की बात करें तो सिंगल कैमरा होगा, 2 MP प्राइमरी कैमरा, डिजिटल जूम सपोर्ट करेगा 2592x1944 पिक्सल्स। यस LED फ्लैश नोटिफिकेशन रहेगा। और बैटरी की बात करें तो लिथियम पॉलीमर की बैटरी है, जो कि नॉन USB टाइप सी नहीं रहेगा, पुरानी वाली टाइप सी नहीं होगी, USB रहेगा, टाइप सी नहीं होगी। और आगे बात की जाए तो इसकी बैटरी जो है 2800 mAh की होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, हालांकि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि ये काफ़ी कमाल का फ़ोन होगा। हालांकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो काफ़ी जल्दी आ सकता है, तो हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादातर फॉरवर्ड कीजिए ताकि सभी तक ये पहुँच सके, और जितना ही ज़्यादा व्यू आएंगे उतना जल्दी कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, और कंपनी इस चीज़ में काम करना शुरू करेगी। जियो एक ऐसी कंपनी जो कि अदर अदर साइडों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो वो अपने लिए खुद भी हो सकता है कि वो फ़ोन लॉन्च कर दे, और ये कंफर्म है दोस्तों कि जियो फोन 3 आने वाला है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी, सुझाव कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। धन्यवाद।